डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बता रहे हैं हम। हमने कल है ना आपको 3.2 एक्सरसाइज बता दी, आज 3.3 बता रहे हैं। तो ये फॉर्मूला बेस पे एक्सरसाइज है, तो इसको देखो। इजी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और 4 तक एक जैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1-4 एक्सरसाइज है हमारे पास 3.3। चलो पहला क्वेश्चन ही देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है साइन स्क्वायर पाई बाई 6, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। ये प्रूफ करना है हमें -1/2, ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसके बराबर प्रूफ करनी है। तो यहाँ देखिए, हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ये क्वेश्चन इस टाइप के, तो आपने ना 10th क्लास में वो 6th चैप्टर जो है उसमें मान लगा के जो हल करते हैं सारणी में, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। सिंपल ही है, स्क्वायर है बस। तो ये है ना, और पाई बाई है, तो आपको ये लग रहा होगा कि ये पाई बाई है, तो भाई पाई क्या होता है, तो पाई का मान 180 होता है, ठीक है। तो आपको इसको 180/6 करके देखोगे तो 180/6 30 अंश का होगा ये। और ये है ना टेन स्क्वायर पाई बाई 4 है, लेफ्ट हैंड साइड लिखा और ये हमने उतार लिया। अब ये तो आपको मालूम है पाई बाई 6 का मतलब क्या है, 180/6 यानी 30 अंश। पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है, 180/6 यानी 45 अंश। पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है, 180/3 यानी 60 अंश, ठीक है। तो ये कितने का मान है, 10/30 का। अब 10/30 का मान कितना होता है भाई, 10/30 का मान होता है 1/√3। आपको 10th में सारणी जो मालूम है उससे ही लिखा है, 10/30 का मान 1/√3 होता है। और ये है भाई 60, जब वाला है ना 60, तो cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, तो इसका वर्ग है। और tan 45 का मान 1 होता है, तो ये 1 का वर्ग है। ऐसे आपको करना है। तो आगे देखिए, इसका वर्ग करेंगे तो 1/√3, इसका वर्ग 1/1 और 2/4 और 1/1 बटे में 1 हम अपने आप कर सकते हैं। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो तीनों के गुणा के बराबर हमने 12 एलसीएम ले लिया। 3 से भाग लगाएंगे, 4 बार 4 का ऊपर गुणा, 4 से भाग लगाया 3 बार 3 का यहाँ, 1 का भाग लगाया 12, 12 यहाँ। तो यहाँ से देखिए, ये प्लस के 7 हुए और माइनस के 12 और बटे 12, ठीक है, ये आया। अब वो -12 में से, और ये -5/12 आना चाहिए। देखो ये 1/3, 1/10 60 का मान 1/√3 होता है, 10/30 का मान 1/√3 होता है। तो ऊपर देखूँ यहाँ पे, ये साइन है, साइन है, यहाँ पे हमने गलत लिख लिया है, ये साइन है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है ये, ठीक है। तो साइन 30 का मान, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब यहाँ से देखिए, इसका एलसीएम लिया हमने 4, तो यहाँ आएगा 1+1-2, 1+1 और माइनस के 4, तो 2-4/4, तो -2/4, तो 2 × 2, 2 × 4, तो -1/2, ये आया इसका राइट हैंड साइड, ठीक है। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। चलो इसका एक क्वेश्चन और देख लो, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। अब एक क्वेश्चन इसका फोर्थ वाला और देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है 2,
साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 5π/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर 5π/3 और इक्वल्स टू 10। 10 इसको प्रूफ करना है हमें, ठीक है ना। 2 साइन स्क्वायर 3π/4 और 2 कॉस स्क्वायर 5π/4 और 2 सेक स्क्वायर 5π/3 इक्वल टू 10। देखो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया यहाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको उतार लो और ये है 2 कॉस स्क्वायर 5π/4 और प्लस 2 और ये सेक स्क्वायर 5π/3। लेफ्ट हैंड साइड लिख के ये उतार लिया। अब देखो ये कितने कोण का मान है, ये 3π/4 क्या होता है ये देखो, यहाँ से 3π/4 तो 3π का मान 180 लगाया बटे 4, तो 4 से ये काट दिया हमने 45, 45 का 3 से गुणा 135 आया, तो ये 135 है। तो 2 साइन आप ऐसे भी लिख सकते हो 135 डिग्री, ठीक है, आप ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो। प्लस अगर आपको रेडियन में नहीं मालूम है तो आप ऐसे लिख लो, उससे भी चल जाएगा। तो यहाँ तो आपको नज़र आ रहा है ये, अब 135 का आप मान भी निकाल लो यहाँ पे। तो देखो मैंने आपको पहली दूसरी एक्सरसाइज में कल बताया था साइन 135 का मान हम कैसे निकालते हैं। साइन 135 का निकालते हैं साइन 90 + 45, 135 हो गए, 90 प्लस थीटा चेंज होता है तो साइन का हो जाएगा कॉस 45। अब 90 प्लस थीटा है ना, वो दूसरे में आता है, दूसरे में साइन प्लस होता है तो ये भी प्लस रहेगा, तो इसका मान आएगा 1/√2। तो साइन 35 का मान 1/√2 यहाँ लगा दो, ठीक है। और यहाँ देखो ये 5/4 क्या है, 45 है, तो कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/√2। सेक सेक 60 का मान, तो कॉस 60 का 1/2 होता है, तो सेक 60 का 2/1 होगा, तो ये 2/1 लिख लो। इसका मान हमें मालूम पड़ गया है यहाँ से, 1/√3 है, तो 2 × 1/√2 का स्क्वायर, स्क्वायर है ना, और यहाँ प्लस 2, इसका वर्ग करेंगे तो 1/2 और इसका वर्ग करेंगे तो 4। आगे नेक्स्ट 2, इसका हमने वर्ग किया तो 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग 2 और इससे ये काट दिया 1 और ये हो गया 8, इससे ये काट दिया तो ये आएगा 1 + 1 + 8 यानी 10। तो राइट हैंड साइड देखो, ये जो सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं वो इजी होते हैं, उसका रीज़न ये है कि हमें मालूम है कि इसको हल करके आंसर हमें 10 लेके आना है, तो आंसर हमें 10 लाना है, तो हमें अगर गलत भी हो जाता है, मान लो क्वेश्चन सिद्ध करने वाले सवाल में गलत भी हो जाता है तो उसको दोबारा देख सकते हैं, और जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन नहीं होते वो डायरेक्ट आंसर आते हैं उसके, तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है कि गलत हो गया तो गलत ही रहेगा, क्योंकि आपको चेक करने में कैसे मालूम पड़ेगा ये आंसर सही है या गलत है। तो इसलिए सिद्ध वाले बहुत ईजी हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री सारी की सारी इजी होती है और त्रिकोणमिति से ही 50% काम है ना 12th क्लास में होता है, तो इसीलिए त्रिकोणमिति जिसको अच्छी तरह से आती है उसके फिर 90+ नंबर आते हैं। और यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव में दो सवाल हैं हमारे पास, एक तो है साइन 75 और टेन 15, ये है साइन 75 और दूसरा वाला है यहाँ टेन 15, तो कैसे करेंगे इसको, 75 है तो 75 किस किस के योग के बराबर है, ऐसे दो हमें कौन से मान मालूम है जिसका योग 75 है, तो 30 साइन 30 का मान भी मालूम है हमें और कॉस 30 का मान भी मालूम है और साइन 60 का, साइन 30 और 45 होंगे, तो इसकी जगह आप ये लिख सकते हो 30 + 45, ठीक है। यहाँ से सूत्र स्टार्ट हो रहे हैं अब,
30 और 45 जोड़े 75 हो गए। अब ये फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं इसमें, साइन ए प्लस बी, ये ए मान लिया हमने और ये बी मान लिया, तो हम इसमें फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। बाई यूजिंग फॉर्मूला साइन ए प्लस बी बराबर होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इस फॉर्मूला का इसमें यूज कर रहे हैं। अब ए ये है और बी ये है और ये इस टाइप का है, इसमें मान लगा दो आंसर आ जाएगा। ए की जगह ये लगाना है और बी की जगह ये लगाना है इधर, तो ये यहाँ लिखेंगे साइन 30 कॉस 45 कॉस 30 साइन 45, ठीक है। अब हमें मालूम है साइन 30 का मान 1/2 होता है और इसका कितना होता है 1/√2 होता है, और कॉस 30 का मान 3/√2 होता है और इसका मान 1/√2 होता है। तो देखो अंश अंश का गुणा करो और हर हर का गुणा करो तो ये आएगा, इधर भी 3/√2 आएगा। अब आधार एक इसके हर है ना एक जैसे हैं, तो एक जैसे हैं तो आप यहाँ पे ये ले लो एलसीएम और ऊपर आएगा मन प्लस रूट तीन। तो ये जो मान है किसका है, साइन 75 का है। अब टेन 15 का आप निकालोगे तो टेन 15 में आप कर लोगे 45 माइनस 30, 45 में से 30 जाएंगे ऐसे है ना, टेन 15 का निकालेंगे हम, तो यहाँ लिखोगे टेन 45 माइनस 30, ठीक है। फॉर ये होमवर्क में दे रहा हूँ, और इसमें टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दोगे और ए की जगह 45 और बी की जगह 30 लगाओगे आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है हमारे पास टेन 225 और कॉट 405, टेन क्वेश्चन नंबर 6, टेन 225 डिग्री और कॉट 405 डिग्री प्लस टेन 765 और कॉट 675 इसका आंसर आना चाहिए 0। देखो सिद्ध करवाया है, प्रूव दैट हमें ये सिद्ध करना है कि ये बराबर 0 होगा, ये आंसर दे रखा है इसका मान है ना वो 0 होगा, ठीक है। तो सिंपल होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो टेन 215 है और कॉट 405 है और 765 टेन में मान 765 और ये कॉट में 675। चलो अब देखिए यहाँ से इसको हमें ना वही 3.2 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन थे ना, ये बाद वाले क्वेश्चन थे 4 से लेके 7 तक, उसी टाइप के क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो केवल ये उतारते हैं, लेफ्ट साइड का जो भी दे रखा होता है ये हम उतार देते हैं, बस लेफ्ट हैंड साइड लेके यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं और राइट हैंड साइड आंसर आएगा 765 और 675 लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब देखिए यहाँ से टेन में 225 है तो इसको लिख सकते हैं 180 प्लस 45, तो आप इसको लिखोगे टेन 180 प्लस 45, टेन 180 प्लस 45, 180 और 45 जोड़ेंगे तो 215 आएगा। अब यहाँ देखिए दूसरा वाला आया इनटू कॉट 360 में कितना जोड़ें कि 405 हो जाएं, तो
तो 45 जोड़ेंगे, तो आप इसको लिख सकते हो 360 प्लस 45। अब ये देखिए 720 है, 765 है, तो 765 इस टाइप के हमने क्वेश्चन कर रखे हैं बेटा, तो कोई प्रॉब्लम तो इसमें आएगी नहीं। 765 है, तो 765 मतलब 360, 360 को दो बार जोड़ेंगे 720, और 720 में 45 जोड़ेंगे 765 आएगा। तो इसको आप लिखोगे 2 × 360, 720 हो गया, और 720 में हमने 45 जोड़ा तो ये 765 आया। अब 675, तो 720 में से हमें ना 45 घटा देंगे तो 675 आ जाएगा। तो आप इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे cot 2 × 360 माइनस 45, 720 में से 45 गए तो 675 आए। अब इसको आपको हल करना है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, 180 प्लस थीटा नो चेंज, तो 10 45 होगा, 180 प्लस थीटा नो चेंज, 180 वाले और 360 वाले नो चेंज हैं, तो ये सब नो चेंज है, ये भी नो चेंज है, ये भी नो चेंज है, ये भी नो चेंज है, ठीक है ना। तो 10 45 हो गया। अब देखो 180 प्लस थीटा कहाँ आएगा, वो आएगा भाई इधर तीसरे में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 180 है और प्लस थीटा है इसमें, तो ये तीसरे में आएगा, तीसरे में 10 प्लस का होता है तो ये भी प्लस का रहेगा इन टू। अब यहाँ देखो 360 प्लस थीटा, ये भी नो चेंज, तो कॉट 45 हो जाएगा। अब 360 प्लस थीटा आता है फर्स्ट में यहाँ, तो इसमें तो सभी प्लस के होते हैं तो ये भी प्लस का रहेगा। अब आगे देखो 10 360 प्लस थीटा, ये भी नो चेंज है, तो 10 45 आएगा और फर्स्ट में आएगा, तो ये भी प्लस का ही रहेगा। और कॉट 360 माइनस थीटा, यहाँ ध्यान दीजिए 360 माइनस थीटा, ये भी नो चेंज है, तो कॉट ही आएगा, कॉट 45, लेकिन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा इसमें आएगा, और इसमें है ना कॉस और सेक प्लस के होते हैं और ये कॉट है, इसलिए यहाँ माइनस लगेगा, ठीक है। अब इसको आप मान लगाओ, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो 10 45 का मान आया एक, और कॉट 45 का मान भी एक, और ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, और इसका मान एक और इसका मान भी एक, तो एक में से एक घटाएंगे तो जीरो आया, तो ये राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। तो ऐसे आपको सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको 6 चैप्टर की सारणी याद है, और उसके बाद उस दिन हमने आपको कोण निकालने बताए थे आगे के 90 अंश के बाद में 180 360 720 ये बताए थे 3.2 एक्सरसाइज में, तो वो आपको आते हो तो उससे ही निकाला ये, तो 3.2 आएगी तो 3.3 आ जाएगी। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। मैं अभी आपको इजी क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन क्यों बता रहा हूँ, जिससे कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से आ जाए, क्योंकि जिस बच्चे को ये चैप्टर आ जाता है उसकी स्थिति 12th क्लास में मजबूत हो जाती है, तो इसलिए ये चैप्टर आपको आना बहुत ज़रूरी है। अब 7वां क्वेश्चन है हमारे पास, कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स, और इसका आंसर है अंडर रूट 2 कॉस एक्स। देखिए इसमें दो फॉर्मूला लग सकते हैं, एक तो लग जाएगा कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का, ये भी लग सकता है, और एक लग जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी, तो कॉस सी प्लस कॉस डी से बहुत जल्दी आंसर आएगा इसमें, फिर भी ये फॉर्मूला लगाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, आपको सूत्र आने चाहिए, सूत्र आप अच्छी तरह से याद कर लेना, जिसने सूत्र याद कर लिए उसका आधा काम इजी हो गया, और जिसने सूत्र याद नहीं किए वो समझ नहीं आएगा उसको। तो यहाँ से देखो कॉस इसको पूरे को सी माना हमने, कॉस इसको पूरे को डी माना, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो इसका फॉर्मूला होता है बाई यूजिंग, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं,
बाय यूजिंग फॉर्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर टू कॉस सी प्लस डी बटे दो कॉस सी माइनस डी बटे दो। तो हमें ना ये सी है और ये डी है और इसमें लगाना है, ये इस टाइप का तो ये दे रखा है। तो यहाँ देखिए इसमें लगाया हमने तो टू कॉस सी प्लस डी बटे दो, तो ये प्लस ये बटे दो, तो पाई बाई फोर माइनस प्लस एक्स प्लस पाई बाई फोर माइनस एक्स बटे दो टू कॉस सी ए प्लस डी बटे दो और कॉस सी माइनस डी बटे दो, तो सी माइनस डी तो ये लिखो पहले पाई बाई फोर प्लस एक्स और फिर माइनस है बीच में और ब्रैकेट है इसलिए आप है ना ब्रैकेट ही लगाओगे और नहीं तो फिर ब्रैकेट नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा बटे दो। अब इसको हमने हल किया तो यहाँ से दो कॉस ये माइनस के एक्स से प्लस का एक्स कट जाएगा पाई बाई फोर पाई बाई फोर पाई बाई टू हो जाएगा और ये अपॉन में टू तो पाई बाई फोर ही हो जाएगा, ठीक है पाई बाई फोर पाई बाई फोर पाई बाई टू होता है और ये टू और नीचे मल्टीप्लाई है तो पाई बाई फोर। ऐसे ही इधर देखिए कॉस इसमें हमें ना आगे माइनस का इसके अंदर गुणा कर दूँ तो पाई बाई फोर प्लस एक्स माइनस पाई बाई फोर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन टू, तो टू और कॉस पाई बाई फोर होता है पैंतालीस, कॉस पैंतालीस का मान एक बटे अंडर रूट दो होता है। और यहाँ पे देखिए इससे हमने ये काट दिया तो यहाँ आएगा कॉस टू एक्स अपॉन टू, तो टू से टू काट दिया तो यहाँ देखो इससे हमने इसको काटेंगे तो अंडर रूट दो आएगा, अंडर रूट दो से दो में भाग लगाएंगे तो अंडर रूट दो आएगा और ये कॉस एक्स, तो ये राइट हैंड साइड ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आप धीमे 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 सारे क्वेश्चन करते रहोगे ऐसे ही तो प्रैक्टिस होगी। आप सोच रहे हो कि हम लोग है ना एक साथ पूरे क्वेश्चन कर लेंगे, असंभव। पहले ए बी सी डी सी की जाती है, फिर छोटे छोटे क्वेश्चन किए जाते हैं और सूत्र याद किए जाते हैं और उसके बाद में सूत्र सारे याद हो जाएं और छोटे छोटे क्वेश्चन आने लगे हैं तो फिर बड़े बड़े भी आने लगते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और कल फिर बताएंगे। धन्यवाद।